सहज योग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया, ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए, सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है, हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े, तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है, जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई, तो अब वो धीरे धीरे डावाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाए। उसकी जड़ें भारतवर्ष में, अनादिकाल से हमारे सद्गुरुओं ने और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी और इसके बारे में बहुत खोल करके बात की गई, जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीरदास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात की। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए, किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली, बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों ने कहा कि अगर आपको घर शहद लेना है, मधु लेना है, तो फूलों की बात करने से क्या फ़ायदा, वो तो फूल में ही अटक जाता आदमी। तो उन्होंने कहा तुम शहद की बात करो, मधु की बात करो, तो फिर निराकार की बात। इसमें बहुत से लोग आए जैसे मोहम्मद साहब थे, नानक साहब थे, कबीरदास थे। पर यह बात नहीं कि नानक साहब नहीं मानते थे, क्योंकि नामदेव तो मूर्ति पुजारी थे, उनको कैसे इन्होंने माना। और अगर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे तो मक्केश्वर शिव को उन्होंने क्यों पूजा। लेकिन वो जो बात उन्होंने की थी वो सूझबूझ से, समझदारी से की थी, न मानने से नहीं या मानने से नहीं, क्योंकि वो जो पत्थर है यह अनादि काल से हमारे पुराणों में लिखा मक्केश्वर शिव है, जहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं। ऐसे ही ईरान में हिंडोलिका देवी का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था, ऐसे अपने पुराणों में लिखा और मैं उसे देख आई। आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं और इस वजह से गलत इन लोगों को समझ लेते हैं। नानक साहब ने उस वक्त समय के अनुसार ये कहा कि आप निराकार की ही बात, शहद की ही बात करो, मध की बात करो, छोड़ो फूलों। लेकिन वो भी बात ही बात रह गई, मनुष्य ने उसको भी बात बना लिया। जो मोहम्मद साहब ने किया वही नानक साहब ने किया, लेकिन सब बात में बात रह गई और लोगों ने निराकार की सिर्फ बात ही बात कर दी। चाहे आप फूलों की बात करें, चाहे आप शहद की बात करें, सब बात रह जाती है। मधु को पाने के लिए
आपको होना चाहिए मधुकर, आपको भी होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सहज योग है कि निराकार साकार का झगड़ा खत्म, अब आप मधु को पाइए, पहले आप शहद को पाइए, फिर बात करेंगे। उसका जब आप स्वाद पाइएगा तो आप सामने आ जाइएगा और कहिएगा कि माँ ये आनंद हमने पाया, ये निरानंद है, ये हमने पाया नहीं, ये इतनी सुख की चीज़ है, इतने आनंद की चीज़ है। और अपने अंदर के सहज परिवर्तन को देख के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं इतना क्रोधी आदमी था, मुझे क्या हो गया, मैं तो शराबी कबाबी था, मुझे क्या हो गया। कितना भी कहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब मना है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मुसलमान देखे हैं कि उनके सामने शराब खाने खाली हो जाए। नानक साहब कह गए शराब को भी, उस वक्त में मोहम्मद साहब के समय में सिगरेट नहीं थी, उन्होंने सिगरेट को मना किया क्योंकि उस वक्त सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ शराब की बात की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सिगरेट भी नहीं पियो और शराब भी मत पियो। लेकिन आप लंदन में देखें तो स्कॉटलैंड के लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो सिख ही लोग शराब पीते हैं, अगर सिख लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी शराब कौन खरीदेगा। सब एक से एक हैं देखने लायक। क्रिश्चियन लोगों को ईसा मसीह ने एक बार एक शादी में जा करके और एक पानी से ही वाइन बना दी। वाइन का मतलब होता है हिब्रू में द्राक्ष का रस, वो तो बहुत आसान चीज़ है। तो इन्होंने उसका अर्थ लगाया अल्कोहल। आप ये बताइए कि एक मिनट में कोई अल्कोहल बना सकता, उसको तो सड़ाना गलाना पड़ता है सालों, तब जाके अल्कोहल बनता। लेकिन इस बात को नहीं सोचेंगे। उन्होंने उसमें से निकाल लिया कि ईसा मसीह ने तो हमको शराब पीने की हाँ कर दी। और आश्चर्य की बात है, कोई मरता है तो शराब पीते हैं और कोई पैदा होता है तो शराब पीते हैं। ऐसे अब लोगों को क्या कहा जाए। उसी प्रकार अब जैन लोगों की बात करें कि इन्होंने ये ले लिया अपने सर में कि हमें गोश्त मच्छी नहीं खाने का। जो चेतना के विरोध में चीज जाती है, जो कि शराब है, उसको पीते रहते। हर एक आदमी ने अपने अपने धर्म का एक एक ऐसा नमूना ढूंढ लिया है कि जिससे उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो वीकनेस है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता। इससे आप लोग कमज़ोर तो हो जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। ये सब बातों से कोई अच्छाई तो आने वाली नहीं है आपके अंदर। जिस चीज़ से आप सबल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं, समअर्थ हो सकते हैं, वो है आपका आत्मा का जानना और सच्चाई पे खड़ा होना। सच्चाई पे खड़ा होना, और सच्चाई ये है कि ये सब ढकोसलेबाजी में आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हजारों वर्ष से ऐसे ढकोसले अपने देश में चले आ रहे हैं और नाना तरह से हम लोगों ने बेकार के काम किए, आप जानते हैं। विधवाओं को सताया, औरतों को सताया, उसको जिसको मिला उसको सताया, ये जितने संत साधु हो गए, नानक साहब को सताया, हमने किसको छोड़ा। हमने ज्ञानेश्वर जी को सताया, तुकाराम जी को सताया, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए सबको हमने छला है। आज हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको बैठ के यहाँ मना रहे हैं। दूसरे आश्चर्य की बात है कि कबीरदास जैसा महान एक अवतरण ही समझ लीजिए और रैदास दूसरे एक बहुत बड़े हो गए, उनको शूद्र समझ करके हिंदुस्तान में उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनाने दिया। तो जाके वो बना कहाँ, तो इंग्लैंड में। बड़ी शर्म आती है, अंग्रेज लोग तो इस बात को पकड़ लेते हैं कि इनका मंदिर आपके यहाँ नहीं बन पाया, हमारे यहाँ बन गया। तीसरी बात यह है कि हमने जाति के नाम पर एक बड़ा भारी ढोंग रचा। जाति मनुष्य की, मैंने आपसे पहले बताई, वही होती है जो उसकी इच्छा होती है, एप्टीट्यूड होती है। जो इंसान शूद्र के काम करता है, शूद्र माने जो सबके सामने आगे पीछे दौड़ता है, जैसे मिनिस्टरों के पीछे लोग दौड़ते हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
वो शूद्र लोग, जो लोग मंदिरों में जाते हैं उनसे जो लोग भीख मांगते हैं वो महाशूद्र है। ये शूद्रता का लक्षण है। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो ब्राह्मण, और बाकी अपने तिलक लगा के घूमने वाले ब्राह्मण जो हम लोग से रुपया पैसा खींचते हैं वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हो ही नहीं सके, वो तो चाकर हैं आपके। कल ही एक हमसे कहने लगे, हमारे यहाँ पुरोहित जी आते हैं, हमारे कुल के पुरोहित जी, उनको हमने गुरु मान लिया। मैंने कहा वो आपके दम पे रहते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, उनको आपने गुरु कैसे मान लिया? गुरु को तो कोई खरीद नहीं सकता। गुरु को अगर आप खरीद ले तो गुरु हो गया आपका चाकर। और जो आजकल के गुरु घंटाल निकले हुए हैं इनकी और एक विशेषता है कि ये कुछ धंधा वंदा नहीं करते हैं, आपके दम पर रहते हैं, इनकी अपनी एक पैसे की कमाई नहीं, आपके दम पर रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफ्त मेरे घर में आके रहिए तो आप कभी नहीं तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है। पर इनमें वो भी आत्मसम्मान नहीं, मुफ्त में आपका पैसा मार, मुफ्त खोरी, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, उससे पैसा ले, और बड़े बड़े रोल्स रॉयस खरीदो और फिर आप दुनिया भर में भटकते फिर। हमारी अकल को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। हम ऐसे युग में आए हुए हैं कि ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में भ्रांति इतनी मनुष्य को हो जाती कि वो किसी भी चीज़ को सत्य समझ के लग जाता है। बस इसको हमने सत्य माना, आप चले। अरे भाई, पर इस सत्य से तुमको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा सत्य है। बकरी की तीन टांग जो कही जाती है, यही हमारे लिए सत्य है, और हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो जाइए उसी रास्ते। सत्य एक अनुभव है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। बार बार मैं कहूं, सत्य कोई ऐसी बुद्धि से मान लिया ये सत्य है, उसको पकड़ लिया, ये सत्य नहीं होता। सत्य आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपने जानना है। ये बात सबने लिखी है, खासकर मोहम्मद साहब ने साफ साफ लिखा है कि जिस वक्त रिजरेक्शन का कयामा का समय आएगा उस वक्त आपके हाथ और पैर बोलेंगे। अच्छा, उन्होंने भी अगर कहा सबने कि नहीं पियो तो उसमें कोई आपके दुश्मन तो नहीं थे भाई, आपके चेतना के विरोध में जाती है, इससे अनेक बीमारियां होती। अंग्रेज जो कि अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, उनके उठे तो शराब, बैठे तो शराब, जहाँ जाओ सो शराब। अब उनकी भी खोपड़ी ठनठनाई है। आजकल जब मैं देखती हूँ पेपर में आ रहा है कि सिगरेट तो बंद कर दी पर अब शराब भी बंद करो, डॉक्टर लोग कहते हैं कि किसी तरह से शराब को बंद कर दो। पहले डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा पिया करो तो अच्छा रहेगा, अब वही खुद कहते हैं नहीं भी शराब का बंद करने का सोचना चाहिए। जैसे ही ये इश्तहार निकले वैसे ही वहाँ के जो बिजनेस वाले हैं उनकी तो हालत खराब गई कि बाबा रे बाबा, फिर हमारा क्या होगा? इन दो चार बिजनेस वालों के लिए क्या सारी दुनिया खराब की जाए? लेकिन सबसे तो कमाल यह है कि पोप साहब खुद शराब निकालते हैं, यह आपको नहीं पता होगा, और उसका नाम रखा है बेनिडिक्टिन माने आशीर्वाद, और वो स्पेशल शराब होती है और वो खास लोगों को मिलती है, ऐसे वैसे नहीं। आपको एक क्रॉस इतना बड़ा पहन के जाना पड़ता, तब आपको शराब मिलती, माने आप क्रॉस पे लटकाए जाएंगे उसके बाद, यही अर्थ ले लीजिए। ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर रखी हैं, और जब हम कोई बात कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आती क्योंकि उनका पेट दुखता है ना। लेकिन मुझे तो सबकी एक ही बात कहने की है कि अपनी बुद्धि को सीधी सरल और दक्ष रखिए और सोचिए सत्य क्या है। आत्मा को प्राप्त करना सत्य है। जब मैं अमेरिका गई थी पहली मर्तबा तो वहाँ चौधरी साहब थे, अब नहीं रहे, उनका माँ आप अपने लेक्चर जो है उनको रजिस्टर्ड करवा लीजिए कुछ ऐसी चीज़। तो मैंने कहा क्यों? कहले कोई भी आपके शब्द उठा लेगा और आपके बारे में बोलेगा। मैंने बोलने तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अच्छी बातें बोलती हूँ, बोलेगा तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। तो वहाँ पर एक नई चीज़ निकल आई है, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन। कौन है आप? मैं बॉर्न अगेन। झूठ मूठ का अपना सर्टिफिकेट लगा घूम रहे, बॉर्न अगेन भाई, तो तुम्हें कौन सी शक्ति है, तुम्हें कौन सी विशेषता है? अगर बॉर्न अगेन हो
तो आप में शक्ति कौन सी? नहीं, हम तो बॉर्न अगेन है। कोई बात जो बड़े कह गए हैं उसमें आजकल के अकलमंद बहुत से नुक्स निकालते हैं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी चलता है वो इंसान के कमजोरियों पर। कौन सी किसको कमजोरी है देखिए। आज एक वैद्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वो गांव का पता लगाओ कि जहां दही बगैर जीरा डाले खाते हैं। तो उनका हाँ है, एक है जगह, बस जाके वहां जम गए, क्योंकि अगर बगैर जीरे के वो दही खाते तो बीमार तो पड़ेंगे, तो उनका इलाज वैद्य जी कर सकते हैं। इसी प्रकार आजकल का सारा व्यवहार और मैनिफेस्टेशन है कि लोग चाहते हैं किस तरह से इनको चंगुल में फंसाया जाए और रुपया बनाया जाए। जब रुपया ही भगवान हो गया, जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं, अमेरिका के गुजराती जो गए हैं वो कहते हैं कि डॉलर मारा भगवान, उनके लिए डॉलर, डॉलर नहीं कहते, डॉलर उनका भगवान है। और यहाँ से जितने भी हिंदुस्तानी बाहर गए हैं उनको देख के मैं ये कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान से आम के अगर आप पेड़ ले आइए तो उससे आम तो होगा ही नहीं, होना कैसे हो सकता है उस आबो हवा में, लेकिन उससे एप्पल भी नहीं होने वाला। वो हालत इन लोगों की, मुझे आश्चर्य नहीं होगा थोड़े दिन में हमारे हिंदुस्तानी भी पंख बने घूमेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही उनकी अकल मारी गई है और उनके अंदर कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई भी पर्सनालिटी नहीं है, जो जैसा कहता वैसे चलते हैं। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हो। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है। हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है, और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आँख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है या हमारी हालत क्या। तो सत्य ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी वो असीम में उतर जाती है, और इसीलिए इसे कहते हैं प्रबुद्ध, इसी को बुद्ध होना कहते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छा, कि बुद्ध को शरण जाओ, माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि, और अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आ, संघम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में आ। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफ़ों को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सीधे साधे तो कोई सुनने वाला नहीं, कभी इस तरफ से समझाइए कभी उस तरफ से समझाइए, उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है दोज़ हू आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी, लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहां उनको बेनिडिक्टिन मिलेगा पीने के लिए। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीजों में बहक रहे हैं, धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ है, यहां पर धर्म है, इसकी 10 आपसे मैंने बताई बैलेंसीज है, और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं, लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उत्थान हो सकता है। तो आप सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, आपका जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है तो आप चित्तमय हो जाते हैं, इसलिए आप सत चित हो जाते हैं, और आपका हृदय आनंद से भर जाता है। सुख और दुख एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ
इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना, सुख और दुख एक ही साथ चलते। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख में उतरेगा, फिर सुख पे चढ़ा फिर दुख में उतरेगा। आशा निराशा के झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है, लेकिन आनंद एकमेव होता है, उसमें सुख और दुख का विभाजन नहीं। आनंद में मनुष्य शांत चित्त होकर के सारी चीज को देखता है, जैसे कोई खेल हो रहा है, जैसे कोई नाटक हो रहा है, सब चीज को देखता है। और जो चीज बहुत ही भीषण भी लगती है उसे भी वो देखता है, और कारण की वो देख सकता है साक्षी भाव से, वो उसे ठीक भी कर सकता है, उसका इंतजाम भी कर सकता है। और कारण की वो एक महान आत्मा है, परमात्मा के सारे गण देवदूत आकर के उस चीज़ को इस तरह से समेट लेते हैं कि लोग पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन था हमारे बीच में जिसने हमें बचाया। हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है, और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषण पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज़ है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर आँख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर, जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें, मेरी ओर नज़र रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर, विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना, ऐसे आराम से, आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें आकाश की ओर,
और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर, अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही है, लेफ्ट हैंड मेरे ओर जरा सर झुका कर, अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका कर नम्रता पूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा और क्या चीज़। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है, अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम ये है कि आपको लाइट के नीचे ला के खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर। सहयोग में और जो पहले प्रणालियाँ हो गए, बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा, इतनी ज़िंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ करे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके
मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागृत रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे।